बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लैग टेस्ट के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपने किस वेबसाइट को क्लिक करना है या चूज़ करना है लैग टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और ये भी जान लीजिए कि लैग टेस्ट के लिए अप्लाई करना इंतहाई आसान है और ये आप सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ETC HEC GOV PK की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यानी एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल। जब आप ये क्लिक करेंगे, ये लॉगिन करेंगे तो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल आ जाएगा। इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपने फिर इसको क्लिक करना है, ये वाला पेज आपके सामने आएगा। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने साइन इन करना है, अपनी डिटेल्स लिखनी है, अपना CNIC नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने साइन इन करना है। ये अपनी आपने डिटेल्स एंटर कर दी, अब उसके बाद आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद एक पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, आपके पास बिल्कुल सामने आ रहा होगा अप्लाई फॉर लैग टेस्ट। मगर उससे पहले आपने पहले ये देखना है कि क्या ये लॉगिन आपका ही हुआ है या नहीं। उसके बाद आपने अपनी एक तस्वीर अटैच करनी है, अपना नाम लिखना है, अपने वल्दियत लिखनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके साथ साथ आपने दीगर मालूमात भी लिखनी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का काम है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपने लिखना है कि आप क्या टेस्ट देने जा रहे हैं, किस शहर में देना चाहते हैं और इसके साथ साथ सबसे आम चीज़ कि आपने एक चालान फॉर्म भी जमा करवाना है। लैब टेस्ट के लिए फीस भी है, वो मुतलका अकाउंट में जमा करवाई जाएगी, वो अकाउंट डिटेल्स आपको हमें हर बार की तरह ऐड में मौसूल हो जाएंगी। सब मालूमात के बाद आपने ये एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। सबमिट करने के बाद आपके पास बिल्कुल सामने पेज पर ये लिखा आ जाएगा कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है या नहीं। ये एक मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। उम्मीद है कि इस मुख्तसर सी वीडियो से आप इस्तफादा हासिल करेंगे। ये वीडियो कम दौरानिए की इस वजह से बनाई गई है ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई जा सकती है। अगर आप इस तरह की एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और किसी भी नुक्ता पर अगर समझ नहीं आया तो हमसे राबता आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।